राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 6 बज चुका है और हमारे नए ब्लॉग में आप लोग सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम मंगलपुर आ चुके हैं। यहाँ मंगलपुर में ये होटल है बगल में सरदार जी का, और यहाँ पार्किंग है। यहीं पे गाड़ी हम लोग दो बार खड़ी किए हैं यहाँ पे, और आगे प्लांट है जहाँ हम माल खाली करते हैं, बहुत आगे है। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे, टायर देख लेते हैं गाड़ी का, और उसके बाद निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं, उसके बाद सफ़र तय करते हैं। दुर्गापुर जाना है अपने को। और देखो सूर्य भगवान उदय ले चुके हैं, और NH रोड के बगल में खड़ी है। रोडे वे 6 लेन बन चुका है, सामने देख सकते हैं गाड़ी आना जाना कर रही है। तो हम लोग चलते हैं आगे, सफर तय करते हैं। ये देखिए दोस्तों पावर प्लांट, ये देख सकते हैं बगल में गुरुद्वारा भी है, इसके पीछे पावर प्लांट है, बिजली तैयार होता है। देखिए दो गो भाप निकल रहा है ना, वो पावर प्लांट का वो बॉयलर है, वो बॉयलर है। और उधर चिमनी है, उधर देखिए। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं दुर्गापुर। ये दुर्गापुर इलाका में हम घुस चुके हैं। और ये भिरंगी, ये जो हम ये पुल पर चढ़ रहे हैं ना, ये भिरंगी का इलाका आता है। और भिरंगी में ही सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टील प्लांट है। तो ये सब पेड़ पौधा से मतलब छुप रहा है। और वो चिमनी देखिए, धुआं निकल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, आगे भी है। ये गांधी मोड़ हम लोग आ चुके हैं, ब्रिज देख रहे हैं ना, ये गांधी मोड़ है। और यहाँ से हम लोग का दहीने जाना है अंगदपुर। और ये बहुत पहले हम चलते थे, यहाँ आते थे, और ये ब्रिज नहीं बना हुआ था मेरे सामने। और ये ब्रिज की वजह से बहुत यहाँ पे एक्सीडेंट होता था। और देखिए आगे में पेट्रोल पंप मिलेगा आपको, देखो बाबू आगे थोड़ा आगे दूर है, हम लोग यही गाड़ी खड़ा करते थे। और ये चल जाएगा सीधा, इंडस्ट्री एरिया है आगे में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अंगदपुर में। हम लोग दोस्तों हैं, ये पीछे 150 फीट दूरी पे, देखिए वहाँ पैसा दिए हमने, देख सकते हैं 100-150 रुपया। यहाँ 2 घंटा 1.5 घंटा खड़ी कर रखा अंगदपुर में। और यहाँ देखिए 200 रुपया मांग रहे थे, तो यहाँ पे लास्ट करते करते 100 रुपये में लोग यहाँ छोड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। और बगल में कंपनी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ज़बरदस्ती बोलते गाड़ी साइड में लगा दो, गाड़ी बैक करके ले जाओ। पीछे पुलिस वाले मिले, वो पुलिस वाले बोलते 200 रुपये दो, वो पैसा लिए तो उनको 100 रुपये दिया गया। और बॉर्डर में लिए 300-400 रुपया। तो देखिए गाड़ी जा रही है हमारे कंपनी का, दोनों हम लोग पैसा दिए, अब जा रहे हैं सामने कंपनी। तो निकलते हैं दोस्तों श्याम फेर में। देखिए बिल्डिंग, ये दोनों गाड़ी का जा रहा है, दोनों गाड़ी का बिल्डिंग जा रहा है, जमा कर रहे हैं एंट्री कराने गेट में। ये देखिए चंद्रबाबू हमारे जा रहे हैं लेके जमा करने के लिए। 9:30 हो गया है, और देखिए हम लोग आ गए, बेल्टी उल्टी जमा हो गया, ये सेवई दिए घर से। तो 4 गो पूड़ी और आधा सेवई, 1 गो पिटिमी के दिए, वो क्या नाम है बारीक को, काहे कि भाई अकेले खाना पसंद नहीं लगता है, साथ में रहने के बाद में हम बाँट चुट के खिलाते हैं। तो हम लोग खाते हैं जय मानपूर्ण। और चंदन बाबू बोले हम दबाएंगे, तो हम बोले दबाइए, बड़ी जोरदार बना हुआ है, लेकिन हमको खाने का दिल कर और कुछ। अब देखिए क्या होता है क्या खाने का मन कर रहा है? मछली खाने का दिल कर रहा है, मछली मस्त मीठा चल दी। हम लोग आए लेके, देखिए टूरिस्ट बन गया हम लोग का। और रास्ता बड़ा डेंजर है, खड्डे खुडे हैं, गाड़ियाँ खड़ी है लाइन सीधे। देखिए जा रहे हैं हम लोग, गाड़ी आगे जा रही है हमारी। हम लोग का कार्बन पेस्ट है, इसलिए हम लोग का गाड़ी पहले लेगा लोग अंदर, बहुत लंबा लाइन है।
दोस्तों कंपनी का कैंटीन में आ गए हैं खाना लेने के लिए, क्योंकि खाना तो बना नहीं सकते इसलिए कैंटीन में आना पड़ा जी का। ये कैंटीन है, सामान लेके खाना लेके जाएंगे गाड़ी में, और कहीं कंपनी में तो कुछ दिखा नहीं सकते। और चंदन बाबू बोले पापा कुछ छोटा खाने का दिल कर रहा है, मिल जाइए कुछ मिलता तो लाइए। देखिए अपना टिफिन लेके धोए और उधर से मछली या चावल लेके आए, भात मछली भात लेके आए। चलो आज बुधवार है, खा भाई चटक मटक। ये है कि पानी है कश्मीरी मिर्च। देखिए तो मछली खाने जा रहे हैं एक टिफिन और भात। देखिए कितना का भात हो हाँ? अब का पता कितना पैसा लग रहा है। 128 रुपये मछली का विचार पाँच 88 रुपये का मछली है 22 रुपीज। शाम को 6 बज चुका है दोस्तों, और गाड़ी हम लाए हैं खाली करने के लिए। सेट है पीछे में, गाड़ी खाली होगा मेरा, और यही आप लोग देख सकते हैं सामने यही रास्ता है। इसी रास्ता में गाड़ी घुमा के लेके आए हम, बैक करें किसी तरह, और बड़ी गाड़ी को फिर अपने को बैक में ही जाना पड़ेगा आगे जाके, फिर बैक में काहे कि गाड़ी कटेगी नहीं बाएँ से, जगह नहीं यहाँ पे, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, सब रखा हुआ कचरा यहाँ पे। हम लोग का तो भूल भुना लग गया, बोला कि जाइए, समझ में नहीं आया। फिर उसका आदमी बैठा के आया तब हम गाड़ी इधर लाए हैं, बैक करके आगे जाके बैक करके लगाए हैं। अब दूसरा गाड़ी को खाली कर रहा है हाइड्रा, जो मेरा गाड़ी है उसको खाली करके आएगा लेबर यहाँ, तो गाड़ी हमारा खाली होगा, और अपने के निकालने में बड़ा गाड़ी को परेशानी बढ़ेगा। अब अंधेरा हो जाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं इधर, तो हमको दिक्कत होगा। पूरे कचड़े कचड़ा रखा हुआ है, अब क्या कर, रात दिन बता परेशानी, गर्मी से हालत ख़राब, और शाम में राहत हुआ तो ये रोड की परेशानी है, कचड़ा की परेशानी है। अब गाड़ी अपना लंबा है, 30 फुट बॉडी है, 30 फुट 8-9 इंची खाली बॉडी, बॉडी केबिन अलग है, और वहाँ पूरा ढेर लगा हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, माल को रखा हुआ है लोग। अब उसी में देखते हैं, अब खाली करने के बाद में कौन उपाय लगाएंगे, बैक ही करना पड़ेगा, फिर बैक में गाड़ी ऊपर नीचे होता स्लिप करेगा, बहुत लफड़ा है क्या बोला जाए। गाड़ी खाली हो गया और 7:15 बज चुका है, जा रहे हैं काटा कराने के लिए हम लोग। प्लांट में अब वर्कर इधर नहीं है, बंद हो गया, बड़ा मुश्किल से खाली हुआ गाड़ी, उल्टा गाड़ी घुसवा दिया था लोग, लेकिन हाइड्रोल बेचारा था दिमागी आदमी, तो आगे से उठा उठा साइड से पूरा बोला खाली कर दिया 300 बैग। तो चलते हम लोग आगे, गाड़ी निकालते हैं, फिर बैक करना पड़ेगा। 8:50 हो गया, गेट के बाहर निकल गए, और रिसीविंग देखिए हम लोग आगे हाथ में, हम लोग का लोडिंग का भी प्रोग्राम मिल गया, तो हम लोग का सफर तय कर आसनसोल जाना है लोड करने के लिए। तो हम लोग निकलते हैं दोस्तों लोडिंग के लिए, गाड़ियाँ सब खड़ी है यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं लोड करने, पत्थर लोड होगा राजनांदगांव छत्तीसगढ़। टाइम हो गया 9:45 और हम लोग आ गए हैं। ये बहुत पुराना होटल है, रोड नहीं बना हुआ था, तो खाना हम आते हैं तो अगर टाइम रहता है तो चुस्ता यहाँ बनाता है लोग, चाहे हम लोग चुस्ता खा रहे हैं देखिए। और चंदन बाबू भी हम बोले खिलाते तो बोले चलिए पापा चुस्ता हम लोग खाते हैं देखिए। आइए ठीक है। हेलो दोस्तों, ये देखिए आसनसोल पार कर गए हैं, अंदर सिटी से नहीं है, जुगली पंप से दहीने हम मार दिए। और ये देखिए बहुत बड़ा है स्मारक बना, गोलचक्कर है, बरनपुर चौक बोलते इसको शायद लगता है मेरे हिसाब से। ये शहीद भगत सिंह का यहाँ देखिए स्टैचू लगा हुआ है, कितना सुंदर बना हुआ है। देखिए हम घूम गए आगे से जाके, तो अभी हम लोग आ गए हैं बोरा प्लांट में, जहाँ से लोडिंग करना था माल हम लोग का पत्थर, आगे माल बनता है
कांटा वाटा भी हो गया हम लोग का गाड़ी का, और सुबह का 3 बज गया है, और अंदर से हम लोग आए जुगली पंप से। तो पहले बहुत बार आए थे, लेकिन हम बोले चलो अंदर से चलते हैं कैसा रास्ता है। तो ठीक है रास्ता है, लेकिन थोड़ा ब्रेकर ब्रेकर है, ब्रिज भी काम हो रहा है, 2 ब्रिज का भी काम चालू है। तो हम लोग आज का ब्लॉगिंग समाप्त करते हैं, और कल नए ब्लॉग के साथ में आप लोग को मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।